सभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। संसद में आज उनको विदाई दी गई। वेंकैया के विदाई समारोह के दौरान पीएम मोदी के अलावा विपक्षी दलों के सभी नेता मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की किताबों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि आपकी किताबें युवाओं को प्रेरणा देती रहेंगी। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हमेशा देश के युवाओं का मार्गदर्शन किया है। मैंने आपको हर भूमिका में बहुत करीब से देखा है। देश को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का अनुभव मिलता रहेगा। आपने सभी भूमिकाओं का को अच्छे से निभाया है। आज हम सब सदन के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री वेंकैया नायडू जी को उनके कार्यकाल की समाप्ति पर उन्हें धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये इस सदन के लिए बहुत ही भावुक पल है। सदन के कितने ही ऐतिहासिक पल आपकी गरिमामय उपस्थिति से जुड़े हुए। अगर हमारे पास देश के लिए भावनाएं हो, बात कहने की कला हो, भाषाई विविधता में आस्था हो, तो भाषा क्षेत्र हमारे लिए कभी भी दीवार नहीं बनती हैं। ये आपने सिद्ध किया है। अनेक बार आप कहते रहे हैं, आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स बट नॉट टायर्ड फ्रॉम पब्लिक लाइफ। और इसलिए इस सदन को नेतृत्व देने की आपकी जिम्मेदारी भले ही पूरी हो रही हो, लेकिन आपके अनुभवों का लाभ भविष्य में सुदीर्घ काल तक देश को मिलता रहेगा। हम जैसे अनेक सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ता